मेहता की चाल निवासी संजय जैन के घर चोरों ने धावा बोल दिया और मकान में 80 वर्षीय बुजुर्ग को धमका कर करीब लाखों रुपए की चोरी कर ली। जबकि फरियादी का मकान थाने से मात्र 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। मौके पर महू SDOP विनोद शर्मा व FSL की टीम और डॉग स्क्वाड जांच करने पहुंच गई। बुजुर्ग नरोत्तम जैन ने बताया कि दो लोग थे और दोनों ही लंबी हाइट के थे और बार बार पैसे की बात कर रहे थे। साथ ही उनके पास जो सरिया था उससे उन्होंने खिड़की तोड़ी थी और उस सरिये को घोंपने की भी धमकी दे रहे थे। कई बार तकिए भी रख जान से मारने की प्रयास भी किया। जैसे हमारा बच्चा है ना, बिट्टू कॉपी थी और एक थोड़ा सा टिकना था, वो मेरे को बार बार सरिया दिखा रहा था, सरिया से इतना लंबा सर ये हाथ में लिया था। दो वक्त उसने मेरे सर के ऊपर रजाई डाली, धक्का दिया, फिर मैं उठ के बैठा, फिर उसने रजाई डाली, फिर धक्का दिया। तो मैंने उसको बोला तू क्या कर रहा, तो उसने तीन बार रिपीट पैसा पैसा पैसा। उसने सोचा कि मैं होश में आ गया, तो उसने आपको किसी पे शंका है? संजय जैन जो है ये कृषि मशीन का इनका व्यापार है। रात को करीब 1 बजे घर पर आए थे और सो गए थे आकर के। अचानक देर रात जो है 3:30-3:30 बजे के आसपास इनके फादर ने इनको बताया कि दो चोर जो है वो ग्रिल तोड़ करके गेट के पास जो ग्रिल वाली खिड़की है उसको निकाल करके अंदर घुसे होंगे और वहाँ घुसने के बाद उन्होंने चोरी करने के लिए घुसे थे। अलमारी खुली हुई थी, उसमें से कहीं 1 लाख जो नकदी था वो प्लस कुछ जेवरात थे, तो उन्होंने चुराए और दोनों के दोनों जो निकल गए। उनको जो है घबराहट के कारण वो उठे नहीं और धंधा भी निकल पाए, बुजुर्ग आदमी है, तो वो निकल गए। तो उन्होंने वीडियो को उठाया और सिंह जी को बताया